दोस्तों टेरिस पे लगे हुए कुछ प्लांट दिखाएंगे आप लोगों को। जैसे हमारा ये जैकफ्रूट का प्लांट है जो कि हमने बीज से ग्रो किए थे, और उधर हमारा एक संतरा का प्लांट है जो हम वो भी हम बीज से ग्रो किए थे। फलन में समय लगता है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमारा गार्ड गोभी लगा हुआ है 9 इंची ग्रो बैग में, और ये एक काला ग्रो बैग करीब 7 इंची का है। ये मेरा एक हाइब्रिड गुलाब का प्लांट है। ये हमारा जो छोटा सा प्लांट है ये भी संतरा से बीज से उगाया हमने। और दोस्तों ये हमारा एक संतरा का ये भी प्लांट है जो कि हमने बीज से ग्रो किए थे, और ये भी हमारा अमरूद का प्लांट है, ये भी हमने बीज से ग्रो किए। ये एक लीची का प्लांट, ये भी बीज से ग्रो किए थे। और दोस्तों ये पोई है जो कि अभी जल्दी में लगाया गया है, और ये हमारा कंधेल का प्लांट है एक जो कि लाल फूल आता है इसमें। एक हमारा हाइब्रिड गुलाब है, अब तक इसमें काफ़ी सारा फूल आया था लेकिन अब फूल नहीं आ रहा है इस समय क्योंकि सीजन लगभग ख़त्म है। और ये हमारा 9x9 के ग्रो बैग में हमारा लगा हुआ गार्ड गोभी और पत्ता गोभी भी है इधर। दोस्तों ये करीब 25-25 दिन हुआ है हमने लगाया हुए है, और ये जो हमारा गोभी है पत्ता गोभी। दोस्तों इसमें एक बेल के प्लांट हमने बीज से उगाए थे वो भी प्लांट है, और ये मेथी का प्लांट है जो कि फूल आ गया है, और कुछ लहसुन भी है इसमें। अरे देखिए मेथी का प्लांट में फूल आ गया तो हमने इसे रख दिया, हमका फूल आने दो इसको। और ये भी गार्ड गोभी है, कुछ चुकंदर कहा जाता है इस ग्रो बैग में, चुकंदर भी है इसमें हमने लाल जो साग बोए है। और इसमें दोस्तों टमाटर का प्लांट है जो कि 3 प्लांट है, और ये काफ़ी कोहरा की वजह से ये डैमेज हो गया है। कुछ पत्ता काफ़ी सारा पत्ता में सूख गया है, अभी काफ़ी सारा फूल आया था, फूल भी झड़ चुका है। ये मेरा अमरूद का प्लांट है जो कि इसमें काफ़ी सारा फूल आए थे, लेकिन अब इस समय इसकी कोहरा की वजह से इसकी पत्ता भी पीला पड़ा है। देखिए कितना टमाटर अभी भी लगा है, कुछ ख़राब भी हो गया है, काफ़ी सारा फूल कोहरा की वजह से झड़ गया है, और काफ़ी कोहरा पड़ा है। कुछ पौधा भी टमाटर का हमारा सूख भी गया है। इसमें हमने बैगन का बीज लगाए हुई है जो कि उग गया है। ये पत्ता गोभी है जो कि जगह कम की वजह से ज़्यादा गर्जन हो गई। ये मेरा धनिया है जो कि डिस्पोजर में लगा हुआ है और हार्वेस्टिंग करने लायक हो गया। ये हो गया आपका पालक, और ये भी देखिए एक आम का प्लांट है जो कि हमने बीज से ग्रो किए थे। ये मेरा नींबू का ऑल टाइम नींबू का प्लांट है, इसमें काफ़ी सारा नींबू आया था और इस समय फिर नया पत्ता छा रहा, फिर इसमें फूल आएगा कुछ दिन बाद। ये अमरूद का कटिंग हमने कटिंग कर दिए थे, अभी छोटे छोटे ब्रांच इसमें से निकल रहा है ये इधर। और वो हो गया हमारा मटर का प्लांट, और धनिया हमने ग्रो किए थे दोस्तों। ये धनिया है, ये धनिया हमारा हार्वेस्टिंग करने लायक हो गया है। और टमाटर के प्लांट के बाद आपको बता दिया, काफ़ी सर्दी पड़ने की वजह से ये डैमेज हो गया है। अभी भी काफ़ी सारा फूल इसमें है, कुछ टमाटर अभी लगा हुआ है, काफ़ी हम तोड़ दिए हैं, अभी भी फूल है लेकिन ठंडी की वजह से डैमेज हो गया। ये मेरा हाइब्रिड मिर्चा का प्लांट है जो कि शिमला मिर्च कहा जाता है। और उसके बाद हमारा ये कनेल का प्लांट है जो कि बीज से उगाए थे, कटिंग से नहीं लगाए थे इसको। ये पीला कनेल का प्लांट है, इसमें पीला फूल आता है। और दूसरी में प्याज हमने लगाया है, प्याज हार्वेस्टिंग करने लायक लगभग हो गया है। और इधर हमारा एक नींबू का प्लांट है जो कि नींबू कुछ लगा हुआ है, अभी भी काफ़ी सारा फूट आया था इसमें। और ये गुलाब का कटिंग लगाए हुए हैं हमने, और ये हमारा जो नींबू का प्लांट है इसमें अभी 3-4 छोटे छोटे फूट है, फल लगा हुआ है, और काफ़ी सारा इसमें फल आए थे, और अभी नए पत्ता आ रहा है इसमें, फिर से फल आएगा और फूल। तो दोस्तों ये 9 इंची का गमले में लगा हुआ है। और दोस्तों इधर हमारा ये जो संतरा का प्लांट आपको फिर से एक बार दिखाते हैं। ये संतरा का प्लांट हमने बीज से उगाए थे, और देखिए इसमें थोड़ा लेट फल जरूर आएगा लेकिन प्लांट हमारा अच्छा ग्रो किए हैं। अभी ये करीब 2 महीने का प्लांट है। और ये जैक फ्रूट जो कि हमने कटिंग किए थे, कटिंग करने के बाद भी इसमें नीचे से ब्रांच निकाल रहा है। ये मैंगो का प्लांट है हमारा जो कि ये भी हम बीज से ही उगाए हैं, बड़ा